काल भी तुम हो और महाकाल भी तुम हो, लोक भी तुम हो और त्रिलोक भी तुम हो, शिव भी तुम हो और सत्यम भी तुम हो। नमस्कार, बोलते तारे आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। आप सभी को महाशिवरात्रि के अवसर पर न्यूज़वर्ल्ड इंडिया की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 18 फरवरी यानी कि शनिवार का दिन महाशिवरात्रि का दिन है। इस दिन व्रत रखने और भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार देवी सती का पार्वती के रूप में पुनर्जन्म हुआ था। माँ पार्वती ने गौरीकुंड में कठिन ध्यान और साधना से उन्होंने शिव जी का मन जीत लिया था। इसी दिन भगवान शिव और आदि शक्ति माँ पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन व्रत करने से अच्छा वर मिलता है, साथ ही सुहागन स्त्रियां भी शिवरात्रि के दिन व्रत रखती हैं। ऐसे करने से उनके पति का जीवन और स्वास्थ्य हमेशा ही अच्छा बना रहता है। चलिए अब आपको बताती हूँ कि महाशिवरात्रि के दिन कैसे व्रत आपको करना चाहिए। भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए श्रद्धालु पूजा में चंदन, मौली, पान, सुपारी, अक्षत, पंचामृत, बेलपत्र, धतूरा, फल, फूल, नारियल इत्यादि शिव जी को अर्पित करें। भगवान शिव को अत्यंत प्रिय बेल को धोकर चढ़ाएं और चंदन भी लगाएं। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण जितनी बार आप कर सके उतनी बार करें। शिव मूर्ति और भगवान शिव की लीलाओं का चिंतन करें। रात्रि के चारों पहरों में भगवान शंकर की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अभिषेक में जल में पहले पहर में दूध, दूसरे पहर में दही, तीसरे में घी और चौथे में शहद को शामिल करना चाहिए। दिन में केवल फलहार करें, रात्रि में उपवास करें। हालांकि रोगी, अशक्त और साथ ही वृद्धजन रात्रि में फलहार कर सकते हैं। इस दिन शिव की पूजा करने से जीव को अभीष्ट फल की प्राप्ति अवश्य होती है। और चलिए अब राशिफल की तरफ रुख करते हैं और जानते हैं 18 फरवरी का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। और शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मन थोड़ा परेशान हो सकता है, संयम रखें, व्यर्थ के क्रोध से बचें, कारोबार को गति मिलेगी। उर्वरक और रसायक आदि के कारोबार में लाभ की प्राप्ति हो सकती है। वाहन के रखरखाव पर खर्च बढ़ेगा। और चलिए अब बात करते हैं वृष राशि की। आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा, कारोबार में वृद्धि होगी, स्वर्ण एवं वस्त्रों के कारोबार में लाभ मिलेगा, शिक्षक कार्यों में सफलता मिलेगी, अफसरों से वैचारिक मतभेद रहेंगे। वृष के बाद बात करेंगे मिथुन राशि की। मन शांत तो रहेगा परंतु आत्मविश्वास में कमी भी रहेगी, कारोबार के प्रति सचेत रहे, कोई नया कारोबार या कारोबार के विस्तार से बचें, आय में भी कमी आ सकती है, यात्रा कष्टमय हो सकती है। और अब बात करेंगे कर्क राशि की और जानेंगे 18 फरवरी का दिन कर्क राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। मन परेशान रहेगा, व्यर्थ के क्रोध और वाद विवाद से बचे, किसी राजनेता से भेंट हो सकती है, नौकरी में तरक्की के अवसर मिलेंगे, वाहन सुख में वृद्धि हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि की। मन प्रसन्न रहेगा, आत्मविश्वास भी भरपूर रहेगा परंतु कारोबार के प्रति सचेत रहे, कारोबार में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, विदेशी कारोबार में वृद्धि होगी, संबंधों में निकटता आएगी। और चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि की और जानेंगे 18 फरवरी का दिन कन्या राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे, शैक्षिक कार्यों में मन लगेगा, शिक्षक कार्यों के लिए विदेश भी जा सकते हैं, मित्रों का सहयोग मिलेगा, खर्चों की अधिकता रहेगी, भाग दौड़ अधिक रहेगी। और चलिए अब बात करते हैं तुला राशि की। मन अशांत रहेगा, आशा निराशा के भाव मन में हो सकते हैं, कारोबार में कठिनाइयां आ सकती है, सचेत रहे, किसी मित्र से किसी नए कारोबार का प्रस्ताव मिल सकता है, लाभ के स्रोत बनेंगे। तुला के बाद बात करेंगे वृश्चिक राशि की। आत्मविश्वास बहुत रहेगा, वाणी में मधुरता रहेगी, परिवार में सुख शांति रहेगी, कला या संगीत के प्रति रुझान बढ़ सकता है, कारोबार में लाभ के अवसर मिलेंगे, परिश्रम अधिक रहेगा, संतान को कष्ट होगा। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। मन में शांति और प्रसन्नता रहेगी, फिर भी आत्मसंयम रखें, नौकरी में विदेश जाने के अवसर मिल सकते हैं, आय में वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र में परिश्रम अधिक रहेगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि की। मन परेशान रहेगा, बातचीत में संतुलित रहें, क्रोध से बचें, किसी मित्र के सहयोग से कारोबार में वृद्धि होगी, लाभ के अवसर मिलेंगे, किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर जा सकते हैं।
और चलिए बात करते हैं कुंभ राशि की और जानेंगे 18 फरवरी का दिन कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे, मन प्रसन्न भी रहेगा, परंतु अपनी भावनाओं को वश में रखें, कारोबार के प्रति सचेत रहे, कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, कार्य क्षेत्र में परिश्रम की अधिकता रहेगी। चलिए अब बात करेंगे अंतिम राशि मीन की। मन प्रसन्न रहेगा, आत्मविश्वास भी भरपूर रहेगा, पिता का सानिध्य मिलेगा, शैक्षिक कार्यों में सुखद परिणाम मिलेंगे, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं, भागदौड़ अधिक रहेगी। बोलते तारे में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।